नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस का एक मॉडल पेपर सॉल्व करके देखेंगे। ये हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स की कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाइए, उसका एक वीडियो बनाएं। तो उनकी रिकमेंडेशन पे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर 2019 का मॉडल पेपर लिया हुआ है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। आप लोगों से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप जब भी जाएंगे तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप टाइम मैनेजमेंट कर लें। क्या होता है कि हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है और कब हमारे 150 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा यह पेपर जो है छूट जाता है। तो इसलिए 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 15 मिनट्स पर क्वेश्चन को देना चाहिए। तो एक क्वेश्चन को आप 15 मिनट देंगे तो उस हिसाब से आपके 150 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपका 15 मिनट कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है तो आप उसको उसी जगह पे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व हो जाने के बाद जब आपके पास टाइम बचता है तो फिर से वापस आकर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम ये पेपर सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी वीव्स विद डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइमरी वीव्स को डिज़ाइन के साथ में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले प्राइमरी वीव्स का एक हेडिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हेडिंग को अच्छे से लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और लिखते समय जितना हो सके फिगर का यूज़ करना है। हर क्वेश्चन में फिगर आपको ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी वेव्स का हेडिंग लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वेव का डेफिनेशन दिया हुआ है। वेव इज़ डिज़ाइन विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑन लूम मशीन बाय इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसमेंट इज कॉल्ड वीविंग। मतलब वेव क्या है, एक तरह की डिज़ाइन है जो कि लूम मशीन पे वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से बनाया जाता है और वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट के प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी वीव्स, प्लेन वीव एंड ट्विल वीव। तो प्राइमरी वीव जो है दो तरह की होती हैं, फर्स्ट है प्लेन वीव, सेकेंड है ट्विल वीव। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लेन व्यू की डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसकी एक व्यू बना करके दिखा सकते हैं। उसके बाद ट्विल व्यू की डेफिनेशन देनी है और उसकी एक मिनिमम रिपीट बना करके दिखा देना है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मिनिमम रिपीट बना करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक प्लेन व्यू का 6x6 के एरिया में वन अप वन डाउन का प्लेन व्यू बनाया हुआ है और सेकेंड व्यू कौन सी, ट्विल व्यू। तो ट्विल व्यू का एक मिनिमम रिपीट बना दिया है, ये भी हमने 6x6 के एरिया में बनाया हुआ है, 4 up 2 down लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वेज ऑफ ऑर्नामेंटिंग प्लेन फैब्रिक्स। क्या मतलब है इसका कि प्लेन फैब्रिक को हम किस तरह से सजा सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हेडिंग डाला वेज ऑफ ऑर्नामेंटेशन ऑफ प्लेन फैब्रिक्स। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन व्यू आर कॉमनली यूज्ड इन द मार्केट। मार्केट में प्लेन व्यू के कई सारे टाइप जो हैं यूज में आ रहे हैं। दे आर डिफरेंट इन आउटलुक, जो कि आउटलुक में डिफरेंट हैं। दे आर मेड बाय द सेम डिज़ाइन बट आउटलुक चेंज बाय यूजिंग ऑर्नामेंटेशन टेक्निक। अभी प्लेन व्यू में क्या है, वन अप वन डाउन से ही प्लेन व्यू बनाई जाती है। तो मार्केट में अब इसके डिफरेंट आउटलुक कैसे आ रहे हैं उसकी टेक्निक हमें बतानी है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि दे आर मेड बाय द सेम डिज़ाइन।
मतलब ये प्लेन व्यू जो है सेम डिज़ाइन से बनाई जाती है, बट आउटलुक चेंज बाय द यूजिंग ऑर्नामेंटेशन टेक्निक। ऑर्नामेंटेशन टेक्निक को यूज करके इसका आउटलुक चेंज कर दिया जाता है। तो सम ऑर्नामेंटेशन टेक्निक आर एज बिलो, उनमें से कुछ टेक्निक्स को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग फाइन काउंट यार्न। तो यहाँ पे हम फाइन काउंट का यार्न यूज करके भी हम ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। फाइन काउंट बोले तो पतले धागे, 40 काउंट, 50 काउंट, 60 काउंट, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे धागा जो है पतला होता जाता है। तो उसी तरह का यहाँ पे इनमें से किसी एक फाइन काउंट यार्न को ले करके ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, बाय यूजिंग कोर्स काउंट यार्न। कोर्स काउंट बोले तो 40 काउंट, 30 काउंट, 20 काउंट, जैसे जैसे नंबर कम होंगे धागा जो है कोर्स होता जाता है। तो हम अलग अलग काउंट के धागे ले करके भी ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। थर्ड क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स थ्रेड। यहाँ पे हम अलग अलग कलर्स के धागे ले करके भी इसका ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, बाय यूजिंग थ्रेड ऑन वार्प एंड वेफ्ट मे बी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड काउंट। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अलग अलग कलर के वार्प और अलग कलर के वेफ्ट को लेकर के भी ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ अलग अलग काउंट के धागे यूज करके भी हम ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बाय यूजिंग फैंसी स्लब यार्न। अभी यहाँ पे हम स्लब यार्न को यूज करके भी ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। स्लब यार्न में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हमें स्लब जैसा इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंट ट्विस्टेड यार्न। अभी अलग अलग ट्विस्ट के यार्न को यूज करके भी हम ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। अब क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल। अभी इसमें क्या है, मान लीजिए डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए कॉटन का यार्न ले लिया और पॉलिस्टर का यार्न ले लिया, नायलॉन का यार्न ले लिया, तो इस तरह के अलग अलग मटेरियल लेकर के भी हम ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक ये फिगर दिखाया हुआ प्लेन व्यू का, ये इसमें हमने ग्रीन कलर और वाइट कलर लिया हुआ है जैसा कि हम अभी तक लेते आए हैं। अभी इसका ऑर्नामेंटेशन करने के लिए ये देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग कलर के वार्प और वेफ्ट यार्न ले करके ऑर्नामेंटेशन किया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट सॉल्व हो गया है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है, क्रीप व्यूज एंड देयर कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हमें क्रीप व्यू के बारे में बताना है और उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, कैसे वो व्यू बनती है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फिर क्रीप व्यू के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। इन क्रीप व्यू कंसिस्ट एन यूजफुल वैरायटी ऑफ सिंपल व्यूज। तो क्या है, क्रीप व्यू में जो है सिंपल व्यूज की कई सारी यूजफुल वैरायटीज होती हैं ड्यू टू दियर पेबली एंड रफ सरफेस। इसकी रफ सरफेस की वजह से क्रीप व्यू को जो है क्रैप या ऑटमेल फैब्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या, हाईली ट्विस्टेड यार्न और क्रीप व्यू यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रीप इफेक्ट ऑन फैब्रिक्स। इसमें फैब्रिक पे क्रीप इफेक्ट बनाने के लिए हाईली ट्विस्टेड यार्न का यूज किया जाता है और हाईली ट्विस्टेड यार्न को हम क्रीप यार्न भी बोलते हैं। क्रीप व्यू यूज्ड विद द एलिमेंट्री व्यूज। क्रीप व्यू में जो है एलिमेंट्री व्यूज को भी यूज किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रीप व्यू। फर्स्ट है क्रीप विद सेटिन व्यू, क्रीप विद अनदर व्यू, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन व्यू, फोर्थ है क्रीप बाय रिवर्सिंग मेथड। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इनमें से कोई भी एक व्यू को हम बना करके बताएंगे और उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन बताएंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप चारों व्यू के बारे में बता दीजिए, नहीं तो एक व्यू के बारे में भी बता देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रीप विद सेटिन व्यू के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले व्यू बना ली, फिर इसको हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, और अभी हमने इसमें क्या क्या किया और कैसे कैसे व्यू बनाया उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5x5 का एरिया लिया, फिर मूव नंबर 3 लिया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे अप एंड डाउन ले लिया, फिर 3 up 2 down शो कर दिया, उसके बाद ड्राफ्ट बनाया, फिर पेक प्लान बनाया। तो वही हम यहाँ पे बताएंगे, वी ड्रॉ एन एरिया 5x5। तो क्या किया हमने, सबसे पहले 5x5 का एरिया बनाया,
फिर हमने मूव नंबर सेलेक्ट किया कि हम क्या मूव नंबर लेने वाले हैं, फिर उसके बाद कितना वार्प अप और कितना वेफ्ट अप रखने वाले वो सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने बेसिक सेट इन व्यू भर दी मूव नंबर 3 लेकर के, जैसे कि ये ग्रीन कलर से फिल किया हुआ है, फिर उसके बाद शोन 3 अप एंड 2 वेफ्ट अप, फिर उसके बाद हमने क्या किया 3 अप 2 अप दिखा दिया, फिर उसके बाद विदड्रॉ ड्राफ्ट बाय यूजिंग वार्प वर्किंग ऑफ व्यू, फिर हमने क्या किया ड्राफ्ट भरा ये व्यू की हेल्प से, और फिर क्या किया वी ड्रॉ पैक प्लान बाय यूजिंग ड्राफ्ट एंड व्यू, फिर हमने पैक प्लान भरा ड्राफ्ट और व्यू की हेल्प से। तो इस तरह से हमारा 1 का सी पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड क्या है, सेकंड का ए है मेक 1 रिपीट ऑफ हक अबक। यहाँ पे हमें हक अबक की एक रिपीट बनानी है और उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और हक बग व्यू के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हक का बग व्यू, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। हक का बग व्यू आर बेसिकली ट्रैवलिंग व्यूज, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय अल्टरनेटिवली कंबाइनिंग अ फ्लोट विद प्लेन व्यू। इसमें क्या है, हक अ बैक व्यू जो है बेसिकली ट्रैवलिंग व्यूज है, इसमें हम क्या करेंगे अल्टरनेटिवली एक फ्लोट बनाएंगे प्लेन व्यू के साथ में। दिस व्यू आर सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग हैवी टेक्स्चर्स, ये व्यू जो है हैवी टेक्स्चर बनाने के लिए सुटेबल है। दिस व्यू हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट इन प्लेन व्यू विच प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ टू बी फैब्रिक। इसमें क्या है टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम प्लेन व्यू भरते हैं, प्लेन व्यू में क्या है ज़्यादा इंटरलेसमेंट होता है इसलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और सेकेंड पार्ट क्या है लॉन्ग फ्लोट, सेकेंड पार्ट में लॉन्ग फ्लोट बनते हैं विच प्रोवाइड मोर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी टू द फैब्रिक। लॉन्ग फ्लोट होने की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी सबसे ज़्यादा होती है। दिस व्यू इज यूज फॉर कॉटन एंड लिनन फैब्रिक, टॉवल एंड ग्लास क्लॉथ। तो ये हो गया हक अ बैक व्यू का इंट्रोडक्शन। अब इसके एक व्यू बनाएंगे और उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक व्यू बनाएंगे 10x10 के एरिया में हमने एक हक अ बैग की व्यू बना दी, उसके बाद हम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इस व्यू में हमने क्या क्या किया वो सब इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 10x10 का एरिया बनाया, फिर उस एरिया को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड पार्ट हो गया, इसमें हमने एक मोटिव भर दिया। वी फिल द प्लेन व्यू इन सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट में हमने प्लेन व्यू भर दिया। वी ड्रॉ ड्राफ्ट बाय यूजिंग वार्प वर्किंग ऑफ व्यू, फिर हमने जो ड्राफ्ट भरा कैसे वार्प की वर्किंग देख करके ड्राफ्ट भर दिया। फिर उसके बाद वी ड्रॉ पैक प्लान बाय यूजिंग ड्राफ्ट एंड व्यू, फिर हमने पैक प्लान भर दिया ड्राफ्ट और व्यू को देख करके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने हक अ बैक व्यू का इंट्रोडक्शन दिया, फिर एक व्यू बनाया, फिर उस व्यू को कैसे बनाया स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक हनीकॉम व्यू बनानी है। तो यहाँ भी हम सेम वही करेंगे, सबसे पहले हनीकॉम का इंट्रोडक्शन देंगे, वो कितने प्रकार की होती है वो लिखेंगे, फिर उसकी एक व्यू बनाएंगे और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। द हनीकॉम टर्म्स यूज्ड फॉर दीज व्यूज विच आर पार्शियल रिसेम्बलेंस हनीकॉम सेल्स ऑफ बीज, मतलब हनीकॉम वर्ड जो है उस व्यू के लिए यूज करते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखती है। दीज व्यूज प्रोड्यूस रिजेस एंड हॉलोज ऑन टेक्सचर, इस व्यू में हमें क्या है खोखलापन और उभरापन जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स प्रोड्यूस अ फ्लोट्स बोथ साइड ऑफ फैब्रिक, इसमें क्या है वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड जो है एक फ्लोट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें दोनों साइड दिखाई देता है। विच गिव मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी टू द फैब्रिक, इसकी वजह से हमें मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टी मिलती है। There are two types of honeycomb weave.
फर्स्ट है ऑर्डिनरी हनीकॉम व्यू, सेकंड है ब्राइटन हनीकॉम व्यू। तो दोनों में से किसी एक व्यू की डिज़ाइन बना दीजिए और उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन दे दीजिए। तो यहाँ पे हम सिंपल हनीकॉम बनाएंगे 10x10 के एरिया में। अब इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10x10 का एरिया ड्रॉ किया। सेकंड हमने क्या किया, डायगोनल लाइन ड्रॉ किया, ये जिसे हमने डी ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। थर्ड क्या किया, वी ड्रॉ सेकंड डायगोनल लाइन शोन लाइट ग्रीन, ये हमने सेकंड डायगोनल लाइन ड्रॉ किया जिसे लाइट ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। फोर्थ है वी फिल वन मोटिफ लीविंग वन स्टिचिंग पॉइंट शोन वाइट कलर। तो हमने मोटिफ फिल किया हाफ अपर साइड एंड हाफ लोअर साइड। तो हाफ मोटिफ है जो हमने अपर साइड फिल किया, हाफ मोटिफ जो है लोअर साइड फिल किया, लीविंग वन स्टिचिंग पॉइंट शोन वाइट कलर। ये वाइट कलर से हमने एक स्टिचिंग पॉइंट छोड़ा हुआ है, इसको छोड़ करके मोटिफ फिल किया हुआ है। उसके बाद क्या, वी ड्रॉ ड्राफ्ट बाय यूजिंग वार्प वर्किंग ऑफ व्यू। फिर हमने ड्राफ्ट फिल किया वार्प की वर्किंग देख करके। फिर लास्ट में हमने पिक प्लान भर दिया व्यू और ड्राफ्ट को देख करके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें मॉकलेनो व्यू बनानी है। यहाँ भी हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। मॉकलेनो आल्सो नोन एज इमिटेशन लेनोज, मॉकलेनो व्यू जो है लेनो के नाम से भी जानी जाती है। मॉकलेनो आर अ वराइटी ऑफ व्यूज ऑफ ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन, ये सिंपल व्यूज की हेल्प से बनाई जाती है। विच प्रोड्यूसर्स इफेक्ट दैट सिमिलर इन अपियरेंस टू द गॉज एंड लेनो स्टाइल, यह जो है गॉज एंड लेनो इफेक्ट बनाने के लिए इसमें डूप माउंटिंग का हेल्प लिया जाता है। दीज व्यूज आर जनरली प्रोड्यूस इन कॉम्बिनेशन विद प्लेन व्यू, ट्विल व्यू, सेटिन व्यू एंड अदर सिंपल व्यू। यह व्यू जो है जनरली सिंपल व्यू के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। तो अभी इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैनवास क्लॉथ बनाने में, कर्टेंस हो गए, लाइट ड्रेसेस फैब्रिक्स बनाने में, ब्लाउज हो गए, एप्रंस हो गए आदि बनाने में यूज किया जाता है। अब चलिए इसकी भी एक व्यू बनाते हैं और इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने 8x8 का एरिया ड्रॉ किया, फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट में मोटिव भर दिया। फिर क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का जो रिवर्स है वो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में फिल कर दिया। फिर उसके बाद ड्राफ्ट बना दिया, पैक प्लान बना दिया और क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्व कर दिया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है, डिस्क्राइब पॉइंटेड ट्विल व्यू। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पॉइंटेड ट्विल व्यू का इंट्रोडक्शन दे देना है, वो कितने तरह की होती है वो बता देना है, उसकी एक रिपीट बना करके मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन दे देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का बी, हेरिंग बोन ट्विल वेव भी ऐसे ही बना देना है। इसमें भी हमें क्या करना है, हेरिंग बोन ट्विल वेव का इंट्रोडक्शन देना है, एक व्यू बना देनी है और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन दे देना है। क्वेश्चन नंबर सी में ब्रोकन ट्विल व्यू बनाना है, ब्रोकन ट्विल वेव का इंट्रोडक्शन दे देंगे, एक व्यू बना देंगे, उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का ये क्या है, ड्राफ्ट एंड दियर टाइप्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्राफ्ट की डेफिनेशन लिखनी है और वो कितने तरह के होते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमने ड्राफ्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया। ड्राफ्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हील्स यूज टू प्रोड्यूस अ डिज़ाइन। ड्राफ्ट क्या है, नंबर ऑफ हील्स को शो करता है कि किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ हील जो है यूज होंगी। इट्स शोन विच हील इज अप एट द टाइम ऑफ पिक इंसर्शन, ये जो है पिक इंसर्शन के टाइम पे कौन से हील अप करना है वो बताता है। तो अभी ड्राफ्ट कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट, द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट एज फॉलोइंग। फर्स्ट है स्ट्रेट ड्राफ्ट, सेकेंड है पॉइंटेड ड्राफ्ट, थर्ड है ब्रोकन ड्राफ्ट, फोर्थ है कर्व्ड ड्राफ्ट। तो अब सभी की डेफिनेशन लिख देंगे और इसका डायग्राम बना करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रेट ड्राफ्ट के बारे में लिखा है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्राफ्ट,
ये ड्राफ्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट। यह जो है अभी तक जितने भी ड्राफ्ट यूज किए गए हैं उसमें से सबसे सिंपल ड्राफ्ट है। इन दिस ड्राफ्ट द ड्राफ्टिंग ऑर्डर प्रोग्रेसेस सक्सेसिवली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट हील फ्रेम। इस ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्टिंग ऑर्डर जो फर्स्ट हील से लेकर के लास्ट हील फ्रेम तक कंटिन्यूस जाता है। अभी इसका जो है फिगर दिखा दिया, ये स्ट्रेट ड्राफ्ट हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप, पॉइंटेड ड्राफ्ट। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, दिस इज सिमिलर टू स्ट्रेट ड्राफ्ट। यह भी जो है स्ट्रेट ड्राफ्ट के जैसा ही होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर वीव्स सच एज पॉइंटेड ट्विल्व, डायमंड ट्विल्व एंड ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ हनीकॉम वीव्स। यह ड्राफ्ट जो है पॉइंटेड ट्विल्व वीव, डायमंड ट्विल्व वीव और ऑर्डिनरी हनीकॉम वीव में यूज किया जाता है। इसका भी फिगर हमने बना दिया। और नेक्स्ट आता है ब्रोकन ड्राफ्ट। अब ब्रोकन ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रिसेम्बलिंग द पॉइंटेड ड्राफ्ट। ब्रोकन ड्राफ्ट भी जो है लगभग पॉइंटेड ड्राफ्ट के जैसा ही होता है। हाउ एवर द पॉइंटेड इफेक्ट इज ब्रोकन। इस ड्राफ्ट में क्या होता है, पॉइंटेड इफेक्ट में ब्रोकन इफेक्ट देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट इज सुटेबल फॉर हेरिंग बोन ट्विल वीव्स। इसको जो हेरिंग बोन ट्विल वीव्स बनाने में यूज किया जाता है। इसका फिगर देखिए हमने बना दिया है। यह भी पॉइंटेड ड्राफ्ट जैसा है, बस यहाँ पे बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको ब्रोकन ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ का ये पार्ट हो गया। अब फोर्थ का बी पार्ट में चलते हैं। तो फोर्थ का बी पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट। तो यहाँ पे हमें वार्प एंड वेफ्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमने पहले थोड़ा सा दो लाइन लिख दिया है। एनी वोवन फैब्रिक प्रोड्यूस बाई इंटरलेसमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ यार्न नोन एज वार्प यार्न एंड वेफ्ट यार्न। मतलब किसी भी वोवन फैब्रिक को बनाने के लिए दो तरह के यार्न का यूज होता है। फर्स्ट है वार्प यार्न एंड सेकेंड है वेफ्ट यार्न। अब जो है वार्प यार्न की डेफिनेशन देंगे। द यार्न विच इज पैरेलल टू द सेल्वेज आर कॉल्ड वार्प यार्न। मतलब क्या है कि हर कपड़े में एक सेल्वेज होता है, तो सेल्वेज के पैरेलल में जो भी यार्न रहता है उसको हम वार्प यार्न कहते हैं। दिस यार्न आल्सो नोन एज एंड्स। इस यार्न को हम एंड्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फिगर बना दिया हुआ है, ये प्लेन व्यू लिया हुआ है। ये देखिए हमने थोड़ा सा सेल्वेज इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है। सेल्वेज इफेक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा, आप पैंट का कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको जहाँ पे कपड़े का ब्रांड लिखा होता है वो सेल्वेज पे ही लिखा होता है। तो ये हमने थोड़ा सा इफेक्ट दिखा दिया, इसको सेल्वेज हो गया। अब इसके पैरेलल में जो भी यार्न जा रहे हैं उसको हम वार्प यार्न बोलते हैं। तो इस तरह से आप भी फिगर बना करके दिखा सकते हैं। तो वार्प यार्न हो गया, अब सेकेंड है वेफ्ट यार्न। तो वेफ्ट यार्न भी सेम है, द यार्न विच इज अक्रॉस टू द सेल्वेज आर कॉल्ड वेफ्ट यार्न। तो अभी वार्प यार्न क्या था, वो सेल्वेज के पैरेलल था, और वेफ्ट यार्न क्या है, सेल्वेज के अक्रॉस में है। तो दिस यार्न आल्सो नोन एज पिक्स। तो इस तरह के यार्न को हम पिक्स भी बोलते हैं। इसका मैंने फिगर बना दिया। ये देखिए सेल्वेज हो गया, ये प्लेन व्यू है। तो ये पैरेलल वाले यार्न जो है वो वार्प हो गए, अब ये क्रॉस में जो है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में, ये सभी वेफ्ट यार्न है। तो आप भी इसी तरह फिगर बना करके दिखा दीजिए, आपको 5 out of 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ का सी पार्ट देखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेन व्यू। तो यहाँ पे हमें प्लेन व्यू के डेरिवेटिव के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देते हैं थोड़ा सा। द प्लेन व्यू मे बी मॉडिफाइड बाई एक्सटेंडिंग वार्प वे और वेफ्ट वे और बोथ वे। प्लेन व्यू को वार्प वे, वेफ्ट वे या दोनों वे में एक्सटेंड करके मॉडिफाई किया जा सकता है। द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू प्रोड्यूसेज अ रिब इफेक्ट इन फैब्रिक। प्लेन व्यू में एक्सटेंशन करने से हमें कपड़े में एक रिब इफेक्ट देखने को मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन व्यू डेरिवेटिव्स एज फॉलोइंग। प्लेन व्यू के डेरिवेटिव 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है वार्प रिब, सेकेंड है वेफ्ट रिब और थर्ड है मैट व्यू। तो ये तीनों के बारे में हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे और तीनों की एक एक व्यू बना करके दिखा देंगे।
सबसे पहले वार्प रिब, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू इन वार्प डायरेक्शन। इसमें क्या है, प्लेन व्यू में एक्सटेंशन जो है वार्प डायरेक्शन में करते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्प रिब। वार्प रिब इज नॉर्मली यूज्ड फॉर वार्प फेस्ड कंस्ट्रक्शन। वार्प रिब जो है वार्प फेस्ड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। दिस वार्प रिब आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू वार्प अप ओवर द वेब टॉप एज फॉलोइंग। मतलब वार्प रिब को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसके अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है रेगुलर वार्प रिब, सेकेंड है इरेगुलर वार्प रिब। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। रेगुलर वार्प रिब में हम जितना अप लेंगे उतना ही डाउन लेंगे, और इरेगुलर वार्प रिब में अप एंड डाउन अलग अलग ले सकते हैं। तो अभी ये दोनों की एक एक व्यू बना करके दिखा देंगे, ये रेगुलर वार्प रिब और ये इरेगुलर वार्प रिब। अब इसी तरह वेफ्ट रिब बनाते हैं। वेफ्ट रिब, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू इन वेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेफ्ट रिब। वेफ्ट रिब इज नॉर्मली यूज फॉर वेफ्ट फेस्ड कंस्ट्रक्शन। तो क्या है, प्लेन व्यू को वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करके वेफ्ट रिब बना सकते हैं, और वेफ्ट रिब को जो है जनरली वेफ्ट फेस्ड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। द वेफ्ट रिब आर ऑल्सो क्लासीफाइड इन टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू वेफ्ट अप ओवर द वार्प। तो इसमें भी हम अप एंड डाउन के हिसाब से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वेफ्ट रिब और इरेगुलर वेफ्ट रिब। यहाँ पे भी जो है रेगुलर में अप एंड डाउन सेम रहेंगे और इरेगुलर में अलग अलग रहेंगे। तो इसकी भी एक एक व्यू बना करके दिखा देते हैं, ये रेगुलर वेफ्ट रिब और ये इरेगुलर वेफ्ट रिब। अभी थर्ड आते हैं, मैट व्यू। तो मैट व्यू, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू इन बोथ वार्प एंड वेफ्ट डायरेक्शन। इसमें क्या है, हम प्लेन व्यू का एक्सटेंशन दोनों डायरेक्शन में करेंगे, वार्प डायरेक्शन में भी और वेफ्ट डायरेक्शन में भी। तो इस तरह की व्यू को हम मैट व्यू कहते हैं। दिस व्यू आल्सो नोन एज बास्केट व्यू एंड होपसैक व्यू। इस व्यू को हम बास्केट व्यू या होपसैक व्यू के नाम से भी जानते हैं। द मैट व्यू आल्सो क्लासीफाइड इन फोर टाइप्स। मैट व्यू को चार पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है रेगुलर मैट व्यू, सेकेंड है इरेगुलर मैट व्यू, थर्ड है रिवर्सिबल मैट व्यू, फोर्थ है नॉन रिवर्सिबल मैट व्यू। तो अब इनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, एक व्यू बना करके दिखा देते हैं 8x8 में, फोर अप फोर डाउन का। तो यहाँ पे हमने फोर्थ का सी पार्ट सॉल्व कर लिया है, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ का ये है डिज़ाइन एंड इट्स रिपीट। तो यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बताना है और एक रिपीट बना करके बताना है। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन की डेफिनेशन लिख दिया, डिज़ाइन इज द डिस्पोजिशन ऑफ लाइंस। मतलब लाइंस को अरेंज करके हम जो भी फिगर बनता है उसको डिज़ाइन बोलते हैं। द डिज़ाइन इंडिकेट्स द इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स इन अ रिपीट ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन क्या इंडिकेट करता है, वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स के इंटरलेसमेंट को इंडिकेट करता है। दो डिज़ाइन विच इज अप्लाइड ऑन टेक्सटाइल मटेरियल थ्रू प्रिंटिंग इंटरलेसमेंट नीटिंग एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल डिज़ाइन। वो डिज़ाइन जो टेक्सटाइल मटेरियल पे बाय प्रिंटिंग करके बनाई जाए, या वार्प एंड वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से बनाई जाए, या नीटिंग मशीन से बनाया जाए, उसको हम टेक्सटाइल डिज़ाइन कहते हैं। तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइन वर्ड हमने थोड़ा डेफिनेशन को लंबा करने के लिए किया है, क्योंकि डिज़ाइन की डेफिनेशन दो लाइन की सफिशियंट नहीं थी, इसके लिए हमने टेक्सटाइल डिज़ाइन को भी इसी में ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिज़ाइन की डेफिनेशन हो गई, अब यहाँ पे हम कोई भी एक डिज़ाइन के बारे में लिख करके उसका व्यू बना करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेन व्यू बनाया हुआ है लेकिन इसके बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में। आपको यहाँ पे व्यू के बारे में बताना है, उसकी रिपीट बनानी है और उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ फैब्रिक GSM। यहाँ पे हमें फैब्रिक GSM का फार्मूला बताना है। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा डाटा दे दिया है और ये फार्मूला लिखा, पूरा एक कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। तो फार्मूला है हमारा
API डिवाइडेड बाई वार्प काउंट इंटू वन प्लस वार्प क्रिम्प डिवाइडेड बाई 100, फिर प्लस PPI डिवाइडेड बाई वेप्ट काउंट इंटू वन प्लस वेप्ट क्रिम्प डिवाइडेड बाई 100 इंटू 23.2। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखते समय आपको ब्रैकेट्स का ध्यान देना होगा, एक भी ब्रैकेट्स इधर उधर हुआ तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो इसलिए ब्रैकेट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। और मैंने कुछ वैल्यूज भी दे रखी है, इनको फार्मूले में रख करके एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन में तो सिर्फ फार्मूला पूछा हुआ है, अगर आप एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके दिखा देते हैं तो और अच्छा होगा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैब्रिक एनालिसिस पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे फैब्रिक एनालिसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बताना है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है एलिमेंट्स ऑफ फैब्रिक्स, वही यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फैब्रिक एनालिसिस पर्टिकुलर्स करके हेडिंग डाला, द फैब्रिक एनालिसिस पर्टिकुलर आर एज फॉलोइंग। सबसे पहले मिनिमम रिपीट, सेकेंड है वीव, थर्ड है ड्राफ्ट, फोर्थ है पेक प्लान, फिफ्थ है डेंटिंग ऑर्डर। अब ये सभी के बारे में डेफिनेशन लिख देनी है और एक व्यू बना करके दिखा देना है। तो सबसे पहले मिनिमम रिपीट, मिनिमम रिपीट इज़ अ मिनिमम एरिया इन विच अ कंप्लीट डिज़ाइन कैन बी शोन। मतलब क्या है, मिनिमम रिपीट वो मिनिमम एरिया है जिसमें कि हम एक कंप्लीट डिज़ाइन को दिखा सकते हैं, उसे हम मिनिमम रिपीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन व्यू का मिनिमम रिपीट 2x2 है, 12 व्यू का मिनिमम रिपीट 3x3 है, इसी तरह से और व्यूज का मिनिमम रिपीट अलग अलग है। तो सेकेंड है व्यू, तो व्यू के बारे में लिख देते हैं, व्यू इज़ अ डिज़ाइन विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन लूम मशीन बाई इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। मतलब वीव एक डिज़ाइन है जिसको लूम मशीन पर वार्प एंड वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से बनाया जाता है और इस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। थर्ड है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इंडिकेट द नंबर ऑफ हील्स टू प्रोड्यूस अ डिज़ाइन। एक डिज़ाइन को बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ हील्स यूज करना है ड्राफ्ट वो दिखाता है। फिर आते हैं पिक प्लान। पिक प्लान क्या है, इट शोज द सिलेक्शन ऑफ हील्स टू बी रेज और लोवर्ड एट ईच इंसर्शन ऑफ पिक्स। पिक प्लान क्या दिखाता है कि कौन से पिक के इंसर्शन पे कौन से हील्ड को उठाना है और कौन से हील्ड को नीचे रखना है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि पेक प्लान जो है हील्ड की पोजीशन दिखाता है, किस पिक के इंसर्शन में कौन सी हील्ड ऊपर रहने वाली है कौन सी नीचे। डेंटिंग ऑर्डर, डेंटिंग ऑर्डर इज द नंबर ऑफ एंड्स पास थ्रू अ डेंट ऑफ रीड। तो डेंटिंग ऑर्डर क्या बताता है कि एक रीड के डेंट से कितने एंड्स पास हो रहे हैं वो बताता है। देयर आर 2 to 5 एंड्स पास थ्रू अ डेंट ऑफ रीड। तो एक रीड के डेंट से दो या दो से अधिक 5 एंड्स तक पास कर सकते हैं और उसकी एक व्यू बना करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।